मैं शारदा किचन से बबीता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सा अचार जो कि हमने बाजार के आम के अचार के मसाले से तैयार किया है। आइए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी सा आम का अचार। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 2 किलो आमी का अचार। इसके लिए हमने इस तरह की आमी ली है, इनको धो के अच्छी तरह से पोंछ लिया है कपड़े से। अब हम इसे काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सभी आमी को काट लिया है। 4-4 पीस कर दिए एक आमी में से। इस तरह से आपको सभी अपनी आमी को पोंछ कर 4-4 टुकड़ों में काट लेना है। हमने अपनी सभी आमी को काट लिया इस तरह से। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक थोड़ा हमें ज्यादा मिलाना है इसमें। कम से कम हमने इसमें 1.5 कटोरी नमक डालना है। इतनी आमियों में जितना अच्छे से हमारा नमक लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, उतना हमारा अचार अच्छा बनेगा और ज्यादा दिन तक चलने वाला बनेगा। मिक्स कर देना है ताकि एक आमी में अचार अच्छी तरह से नमक मिल जाए। ये 1.5 कटोरी नमक हमने अच्छी तरह मिला दिया है। अब इसको हम किसी भी एक डब्बे में भर देंगे। हमने अपनी सभी आमियों को मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम 1/2 कटोरी नमक ऊपर से और डालेंगे। टोटल इसमें हमारा 2 कटोरी नमक लगा है। अच्छे से टाइट करके ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ओवरनाइट रख देंगे। अब सुबह देखेंगे हम उसे। आइए फ्रेंड्स, देखिए हमने रात में रख दिया था उसे नमक लगाकर। अब इसे खोलना है हमें। देखिए हमारी अभी में सारा गंदा पानी निकल गया है। हम इसे एक छन्नी में डाल देंगे। छन्नी में डाल के इसका जितना भी पानी है, ये देखिए, ये पानी अब छन्नी में डालते हैं। हमारी आमी में जितना भी गंदा पानी था वो सब निकल चुका है। अब इसे हम छन्नी में छान के और धूप में 4 घंटे के लिए सुखाएंगे। हमारी 4 घंटे बाद ये आमी सूख कर तैयार हो गई है। पानी इसमें से बिल्कुल सूख गया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या मसाला चाहिए हमें अचार डालने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने ही अचार का मसाला लिया है अपना। इससे अचार के मसाले से अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हमने ये अचार का मसाला लिया है और इसमें थोड़ा सा मिर्च कम रहेगी तो हमने थोड़ी सी मिर्च, हल्दी और नमक और लिया है और 1/2 कटोरी तेल लेंगे अभी। और एक मिर्चमान को हमने धूप पर सुखा के अच्छी तरह से ये लिया है अचार डालने के लिए। आइए हम बनाना शुरू करते हैं आम का अचार। देखिए फिर हमने टोकरी को खाली कर लिया है। इसमें हम मसाला डाल देंगे अपना सारा अचार के मसाले से। अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको मिर्च हल्की चाहिए तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा चटपटा चाहिए इसलिए हम थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल रहे हैं। हल्दी और डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि अचार थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। और इसमें तेल डालेंगे और इसको हमें हाथ से मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा तेल और डाला है। हमें इस तरह का मसाला चाहिए अपने अचार बनाने के लिए। हमने अभी बिना पका हुआ ही तेल लिया है, बाद में हम पका के डालेंगे। अभी तो ये धूप में रखने से पक जाएगा तेल, इसलिए हमने इस तरह से अपना अचार का मसाला कर लिया है। अब इसमें हम आम के अचार की फापों को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से अचार फापों में मसाला मिक्स हो जाए। और सभी आम फापों को हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमें ये काम हाथ से ही करना पड़ेगा। ये आप दोनों हाथों की मदद से कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मसाले को मिक्स करना है इस तरह से। और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारी आमियों में। हर आमी में हमें इस तरह से मसाला मिक्स कर देना है। इससे ही हमारे आम के अचार में टेस्ट आएगा इस तरह से।
तरह से हमें सभी पाकों में अपने आम के अचार को मसाला भर देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें अब सभी पाकों में अपने आम को अचार के मसाले को लगा देना है। अब हम इसे मेजबान में भर देंगे, या आप किसी भी कंटेनर में बनाना चाहते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे में, किसी में भी, या कांच के में, तो इसमें अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। हमने अच्छी तरह से अपना मसाला अचार में लगाकर भर दिया है, इसको तो हमें दबा दबा के भरना है। अब इसे हम इस तरह से अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और 3 दिन तक हम इसे धूप में रखेंगे इसी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा हमारा अचार लग रहा है। हमें 3 दिन तक इसे धूप में रखना है, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें 3-4 दिन हो गए हैं अपने अचार को धूप में रखते हुए। अब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है, तो अगर देर तक हमें 1 से 2 साल तक चलाना है अचार को, तो हमें तेल डालना पड़ेगा इसके लिए। हमने सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म करके थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार का तेल ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। गरम गरम में डालेंगे तो हमारी हींग की महक उड़ जाएगी, और ठंडा करके डालना है। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और हींग को मिक्स कर देंगे। अब हम अचार अपने अचार में तेल डालेंगे। अचार में तेल डाल दिए, अब इसको हम दबा दबा के नीचे कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें दबा दबा के अपना अचार तेल के अंदर डुबो देना है और बाहर ना रहे तेल से। जब भी आप अचार को निकालें, तो याद रखें कि कोई भी पीस अचार का तेल से बाहर ना रहे, फिर वो खराब हो सकता है। और हमेशा आपका तेल अगर कम रह जाए, तो आप दोबारा से तेल गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे अचार को बनाएंगे तो 2 साल तक अचार खराब नहीं हो सकता और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये अचार। आप इसको 1 दिन धूप में रख के आप खाने के लिए यूज कर सकते हैं। 1 दिन रख दिया हमने धूप में, अब देखते हैं हमारे अचार को। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है हमारे अचार की, कितना अच्छा मसाला लग रहा है। अब हम ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, स्वादिष्ट। इसे आप पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ, जैसे दाल के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं। इसी तरह से आप भी बनाकर रख सकते हैं अपने घर में, और 2-3 साल तक ये खराब नहीं होता इस तरह से बनाएंगे तो। अगर आपको हमारी ये अचार, आम के अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।